हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 20 जनवरी 2021, एक नई दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन आईएएस योजना को शुरू किया है? वन स्कूल वन आईएएस योजना को शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, केरल के द्वारा यहाँ पर वन स्कूल वन आईएएस योजना को शुरू किया गया है। केरल के राज्यपाल हैं यहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान। इन्होंने राज्य के 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देने की योजना यहाँ पर शुरू की है। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा के इस मंच से बच्चों को अपनी भविष्य की योजनाओं के लिए खुद को पूरी तरीके से ढालने और ज्ञान को विस्तार का मौका मिलेगा यहाँ पर, जिससे कि ये एक नया टारगेट और एक नए अचीवमेंट्स को यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। इस महीने की कुछ एक इम्पोर्टेंट जो योजनाएं जो यहाँ पर शुरू की गई है अलग अलग स्टेट्स के द्वारा, जैसे कि गोधन न्याय योजना है, छत्तीसगढ़ की योजना है, इंदिरा रसोई योजना है, राजस्थान की योजना है, इसके अलावा दीदी वाहिनी सेवा योजना है, एमपी की योजना है, इसके अलावा सुपोषित माँ अभियान राजस्थान के द्वारा चलाया गया था, किसान मित्र योजना हरियाणा की योजना है। ये सारी की सारी योजनाएं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के रिगार्डिंग। केरल की बात करें, केरल जो है ये है तिरुवनंतपुरम, इसकी कैपिटल फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, लेजिस्लेटिव असेंबली 141 सीटें हैं, लोअर हाउस है 20 सीटें, राज्य अपर हाउस है 9 सीटें और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है 14। चीफ ऑफ जस्टिस है जस्टिस मणि कुमार। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो गया पर, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व अध्यक्ष चुना गया है यहाँ पर, और विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट का सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है, तो यहाँ पर इसके अध्यक्ष चुने गए हैं ये। अगर हम यहाँ पर फेमस टेंपल्स की बात करें, सूर्य मंदिर है कोणार्क में स्थित है, उड़ीसा का है ये, और इसके अलावा अक्षरधाम मंदिर है नई दिल्ली में है, इसके अलावा केदारनाथ है उत्तराखंड में है, वृद्धेश्वर टेम्पल है तंजौर तमिलनाडु के अंदर ये देखने को मिलेगा, इसके अलावा विरूपाक्ष मंदिर है पटकल कर्नाटक में ये आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने अपना 16वां स्थापना दिवस कब मनाया? ये मनाया है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, 18 जनवरी को यह मनाया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने 18 जनवरी को अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, स्थापना 18 जनवरी 2006, मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, महानिदेशक एस एन प्रधान, और एनडीआरएफ का मोटो है आपदा सेवा सदैव, ये इसका मोटो यहाँ पर याद रखना है आपको, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जाम्स के रिगार्डिंग। इस महीने के डेज हैं आप लोगों के सामने, तो जल्दी से एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, इन्हें एक बार रिपीट कीजिए ताकि आपको यहाँ पर इनके बारे में जो नॉलेज है वो यहाँ पर याद रहे। कोई भी 5 डेज अगर आप लिखना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ट्राई कर सकते हैं। चलिए अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पर, और इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर कीजिए यहाँ पर, और यहां पर अगर हम बात करें लाइक का, आज का जो टारगेट है वो है 1000 लाइक का, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक, थैंक यू। इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें, अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, इसको जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को पीएम मोदी ने दिखाई यहां पर हरी झंडी और दिखाई है। इसकी जो ये किसकी मूर्ति है, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, इन्हें लोहा पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात के केवड़िया में स्थित है, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की यहां पर ऊंचाई है 182 मीटर,
और ये लगभग 597 फीट की है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण जो है ये लॉर्सन एंड टुब्रो LNT ने किया था। यहाँ पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण यहाँ पर 31 अक्टूबर 2018 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ये शुरू किया है, सी आपका करेक्ट है, पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1 महीने तक चलने वाले सक्षम नाम से एक जागरूकता अभियान को शुरू किया है। वर्तमान में देश के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। अगली आज की एक बुक है जिसका नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है रामचंद्र गुहा ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। देखो कुछ एक बेस्ट बुक्स हैं इस मंथ की। पहली बुक है योर बेस्ट डे इन टुडे, ये है अनुपम खेर की बुक। आई एम नो मसीहा, ये सोनू सूद के द्वारा लिखी गई बुक है यहाँ पर, और मीना अय्यर के द्वारा लिखी गई है। ओ मिजोरम PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। ओवर ड्राफ्ट है ये उर्जित पटेल के द्वारा। और एन एरा ऑफ डार्कनेस ये शशि थरूर के द्वारा लिखी गई बुक है। 1,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है ए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 इसके संबोधन करते हुए यहां पर जनवरी 2021 को 1,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया है। इस पहल के नए स्टार्टअप स्थापित करने और इसकी वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी इससे, और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड कर अपने कारोबार को शुरू करने और विकसित करने के लिए शुरुआती पूंजी को जरूरत में स्टार्टअप का समर्थन करेगा और नवोदित उद्यमियों को नवीन विचारों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अमेरिका ने किन 2 देशों को प्रमुख रणनीतिक सहयोग करार दिया है? ये दिया है सी UAE और बहरीन। अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है। रणनीतिक भागीदारियों का पद संयुक्त राज्य बहरीन संयुक्त अरब अमीरात के बीच मौजूदा साझेदारी को मजबूत करेगा और दोनों देशों को पूरी क्षेत्र में हिंसक अतिवाद का मुकाबला करने और असाधारण सुरक्षा साझेदारी और संयुक्त राज्य के हजारों एयरमैन सैनिक नौसेना और नाविकों की मेजबानी करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए यहाँ पर नामित किया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राजधानी है वॉशिंगटन DC, करेंसी है अमेरिकन डॉलर, राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा और मुख्यालय वॉशिंगटन DC में, और पेटोमोक नदी के किनारे पर है राज्य, यहाँ पर अमेरिका की कैपिटल जिसका नाम है वॉशिंगटन, और इसकी संसद का नाम है कांग्रेस, और US की सबसे बड़ी नदी है वो है मुसेरी नदी। कौन सी स्पेस एजेंसी विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट हॉट फायर का अंतिम परीक्षण करेगी? ये करेगी नासा, सी आपका करेक्ट होगा। ग्रीन रन टेस्ट सीरीज के 8वें और अंतिम परीक्षण करने वाला है यहां पर, और इसके 8वें चरण को हॉट फायर कहा गया है। इस रॉकेट के 212 फुट लंबे SLS कोर चरण के लिक्विड हाइड्रोजन टैंक और लिक्विड ऑक्सीजन टैंक शामिल है। इसमें RS-25 इंजन को पावर देने के लिए 7,33,000 ग्लोन प्रोप्लेन जो है वो यहां पर शामिल है। इस रॉकेट के माध्यम से नासा परियोजनाओं के तहत अंतरिक्ष यात्रियों की नई पीढ़ी को चंद्रमा पर ले जाएगा और मौजूदा वाणिज्यिक वाहनों के बारे के दायरे के बाहर यहां पर मिशन को संभालेगा। नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। अध्यक्ष है जिम ग्रिडेनस्टाइन और मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल।
CNSA चीन की स्पेस एजेंसी है, जाक्सा है जापान की, नासा है अमेरिका की, स्पेस एक्स अमेरिका की निजी प्राइवेट, और कारी है कोरिया की, इसके अलावा इसरो है भारत की, और यहाँ पर रोस्कोस्मोस जो है ये है रूस की। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किन तीन टॉप कॉरपोरेट लीडर्स को USIBC के 2021 ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के रूप में चुना है? ये चुना है उपयुक्त सभी को, यानी कि किरण मजुमदार शो, इसके अलावा मिलिंद पंत, और इसके अलावा एडवर्ड नाइट। आज का आपका क्वेश्चन है युवेरी मुसवेनी ये किस देश के 6वीं बार राष्ट्रपति बने हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और इस कंट्री के बारे में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में लिखनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, और 1000 लाइक तक हम इस वीडियो का टारगेट रखते हैं, तो इसको भी जरूर पूरा कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।